हे गुड मॉर्निंग, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से मैं अपना सादर नमस्कार देता हूं। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहां भी हैं, मेरी आशा है आप परमेश्वर में आनंदित हैं। प्रभु ने हमें यहां तक संभाला है, इसके लिए उस प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज मैं एक संदेश आपके सामने रखना चाहता हूं जो प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया है, और उस संदेश का शीर्षक है, आर यू इन रेंज ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर की संपर्क सीमा के अंदर हैं? आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को मनन करने की कोशिश करते हैं। कई बार जब आप अपने किसी चिर परिचित को या अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को आवश्यक काम के लिए जब फोन करते हैं, तो प्रत्युत्तर जो आपको मिलता है उससे आप निराश हो जाते हैं, आपको खी जाना शुरू हो जाती है। जानते हैं प्रत्युत्तर क्या होता है? जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क सीमा से बाहर है। कई बार ऐसा लगता है, आपको सुनाई देता है कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, और आप बार बार ट्राई करने के बाद भी वो व्यस्त ही दिखाई देता है। लेकिन कई बार तो अति हो जाती है, आपको प्रत्युत्तर मिलता है जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं उनका नंबर अस्तित्व में ही नहीं है। ऐसे उत्तर हमें निराश करते हैं, लेकिन हम ये देखें कि जब परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है तो हम कहां हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 1 वचन और 11 वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। 11 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। अगर आप लेव व्यवस्था की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ें, वहां भी हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे कहा, आवर गॉड इज ए गॉड हु इज इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग टू हिज चिल्ड्रन। अपने संतानों से, अपने बच्चों से वो बात करने में रुचि रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रश्न यह है, जब परमेश्वर हमसे बात करता है क्या हम उसकी संपर्क सीमा में हैं? आप इब्राहिम को देखिए, जब एक बड़ी परीक्षा के लिए जब परमेश्वर ने इब्राहिम को पुकारा, इब्राहिम ने कहा, देख मैं यहां हूं। 11वें वचन में जब स्वर्गदूत ने इब्राहिम को पुकारा तो उसने कहा, देख मैं यहां हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब परमेश्वर इब्राहिम को बुला रहा है, सो इब्राहिम मानो ये कह रहा है, हां प्रभु, मैं आपकी आवाज सुनने के लिए तैयार हूं। हां प्रभु, मुझसे बात कर, मैं आपके योजनाओं को समझने के लिए तैयार हूं। हां प्रभु, मैं आपके सामने अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हूं। हां प्रभु, मैं आपकी जो भी परीक्षाएं आप मुझे देते हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे बात कीजिए। प्रियो, हम जब परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार होते हैं तो हमें बहुत सी बातों को करने की आवश्यकता है, बहुत सी बातों को दूर करने की जरूरत है जिससे हम बिना व्यवधान के परमेश्वर की उस मधुर वाणी को सुन सकें। उसके लिए हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें एकाग्रचित होने की आवश्यकता है। आपके घर में टेलीविजन होगा, आप टेलीविजन पर कार्यक्रम देखते होंगे। जानते हैं वो कार्यक्रम कहां से आते हैं? बहुत दूर, जो स्थान आपने देखा भी नहीं वहां पर वो रिकॉर्ड होते हैं। जियोग्राफिकल चैनल को अगर आप देखें, अफ्रीका के जंगलों में, अमेज़न की घाटियों में वो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, वो प्रोग्राम आपकी आंखों के सामने आपके बेडरूम में आ जाता है। क्या कारण है? इस टीवी के अंदर एक रिसीवर नाम की एक छोटी सी चीज होती है, जब तक आप उसे ऑन नहीं करते वो उन तरंगों को जो आकाश मंडल में हैं
उसे स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही आप उसे ऑन करते हैं वो उस फ्रिक्वेंसीज को कैच करना शुरू करता है, पकड़ना शुरू करता है और उसे प्रोग्राम के रूप में आपके टीवी में आपकी आंखों के सामने प्रकट कर देता है। प्रभु ने हमें भी एक रिसीवर दिया है जो स्वर्ग की ध्वनि तरंगों को समझ सकता है और पहचान सकता है, और उसका नाम है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा परमात्मा से बात कर सकती है, और वो तभी संभव है जब हम उसे ऑन करें, बाकी चीजों से हटाकर अपना ध्यान उसी की तरफ केंद्रित करें। देखिए 11 वचन में जब स्वर्गदूत ने अब्राहम को पुकारा, फिर वो कहता है मैं यहां हूं, यानी अभी भी परमेश्वर की परिधि में है। अगर आप उसके 5 वचन को पढ़ेंगे आपको एक खूबसूरत बात दिखाई देगी। वहां इस प्रकार लिखा है, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, इस गधे को जो उसकी यात्रा उसकी सवारी थी उसे और तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और इसहाक वहां जाकर दंडवत कर वापस लौट कर आएंगे। परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए उस मोरिया पर्वत के ऊपर चढ़ने से पहले इब्राहिम ने अपने दासों को और अपनी सवारी को भी अलग कर दिया, क्योंकि उसे मालूम था, वो जानता था कि ये अगर मेरे साथ होंगे तो ये परमेश्वर के साथ के उस रिश्ते में एक रुकावट पैदा कर सकते हैं जो मैं नहीं चाहता, इसलिए उसने उस रुकावट को दूर कर दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं? तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ बातों को दूर कीजिए। क्या वो आपका मोबाइल है? क्यों वो आपका टेलीविजन है? क्यों आपके मित्र के साथ बातचीत है? क्या वो आपके व्यर्थ के गॉसिप है? कौन सी ऐसी बात है? आप जांचिए और उन बातों को दूर कीजिए। जब आप दूर करेंगे परमेश्वर की वाणी आपको सुनाई देगी। एक्सक्यूज मी। आज मेरी प्रार्थना है आप प्रभु से एक मार्गदर्शन की आशा करते होंगे, प्रभु से एक उत्तर की आशा करते होंगे, लेकिन क्या आप उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रियो, उसकी परिधि में आइए, बिना व्यवधान के उसकी बात को सुनिए। दाऊद भजन 5 में कहता है, अति भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं धीरज से तेरी बाट जो होगा। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, आज इस संदेश को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु, उनके मन की इच्छा है कि वो आपसे सुने, लेकिन संसार की बहुत सी बातें उन ध्वनि तरंगों को उन तक पहुंचने से रोकती हैं। अनुग्रह दे कि हम उन बातों को दूर कर आपकी मधुर वाणी को सुन सकें, आपकी उन बातों को सुन सकें जो अलौकिक हैं, जो स्वर्गिक हैं, जो हमारे लिए एक उत्तम मार्गदर्शन को प्रकट करती हैं। आने वाले दिनों में आप हमसे बात कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीषित करे। अगर आप इन संदेशों से आशीषित हैं आप इन्हें औरों के साथ बांटिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।